माननीय सदस्यगण, नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नव और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है। मेरी सरकार ने महिलाओं की पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन दिया गया है। पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स के प्रवेश दिया गया है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी है और नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 40 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिली है। इस योजना से लाभ लेकर करोड़ों महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है। हमारा ये प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुके हैं। दो सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। ये 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी। पिछले दशकों में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। ये मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ
FPO बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 10 साल में 95 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मेट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मेट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपया से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपया तक यानी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक 4 चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा टीका पशुओं की दिए जा चुके हैं। माननीय सदस्यगण, जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं है, इसका देश के नागरिकों के पूरे जीवन चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी है और गरीबे से लौट रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित कर रहने वाले हैं। बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है। इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60,000 रुपया तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रति वर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है। पीएम आवास योजना पर हुई अध्ययन के अनुसार पक्के घर से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है। पक्के घर में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के वजह से आज देश में 100% संस्थागत प्रसव हो रही है। इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। एक और अध्ययन के अनुसार उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार में गरीब बीमारी की घटना में कम आई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानव केंद्रित विकास पर बोल दे रही है। हमारे लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यही सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा है। भारत के संविधान के हर अनुच्छेद का संदेश भी यही है। हमारे यहाँ लंबे समय तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी, हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बोल दिया। इससे नागरिकों में भी कर्तव्य भाव जागा। आज अपने अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का भाव जागृत हुआ। मेरी सरकार ने उनकी भी सुध ली है जो अब तक विकास की धारा से दूर रहे हैं। ऐसे हजारों आदिवासी गांव है जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है।
लाखों आदिवासी परिवारों को आप जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ। विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4G इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। बंधन केंद्रों की स्थापना और 90 से ज़्यादा बोन उपज पर MSP दिए जाने से आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों को की सुध ली है। उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपया की PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासी परिवार में अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया में पीड़ित रही है। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। अब तक लगभग 1,40,00,000 लोग की जांच की हो चुकी है। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरी सरकार ने